संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज। सत्ता पक्ष के दबाव के कारण पुलिस नहीं कर रही मुलजिमों की गिरफ्तारी। भयभीत पीड़ित परिवार लगा रहा जिला प्रशासन के चक्कर, नहीं हो रही कोई सुनवाई। निघासन में बड़ा बैंक घोटाला, फर्जी नाम से खुल गए खाते, गरीबों के राशन कार्ड निरस्त। सदर कोतवाली क्षेत्र की LRP चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चंदपुरा में बीते 7/11/2021 को कमल किशोर के घर पर गांव के ही निवासी ललित जितेंद्र विनोद कुमार गजराज, रोहित बल्ली समेत भगवतीपुर निवासी मोहित अनमोल ने अवैध असलहे से कई राउंड फायरिंग की, जिससे भयभीत कमल किशोर ने चौकी में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, जिस पर पुलिस ने सत्तापक्ष के दबाव में पीड़ित को ही दोषी मानकर जेल भेज दिया था। हालांकि इस प्रकरण को लेकर प्रार्थी ने SP से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केश उपाध्याय को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आइए देखते हैं भयभीत पीड़ित की जुबानी। क्या नाम है आपका? कमल किशोर वर्मा, ग्राम चंदपुरा पड़ता है, चौकी LRP पड़ती है और थाना कोतवाली सदर पड़ता है मेरा। क्या प्रकरण था आपका? प्रकरण यह है, 7 तारीख को हमारे घर में 8 दबंगों ने जानलेवा हमला कर कई मतलब राउंड फायरिंग वगैरह की है। करीब आधे घंटे हमारे घर पर गोलियां चली हैं, जिसका मतलब छिक्कल भी वो दिखाए गए हैं, अखबार में निकले हैं अमर उजाला में कि PRV छिक्कल बरामद करके ले गई। कब घटित हुई थी ये घटना? 7 तारीख को। तो अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई? दोषियों के बाद क्या, हम जब 7 तारीख को हमको पुलिस साथ में लाई, जब 112 भी पहुंची, 100 नंबर भी पहुंची गई थे और चौकी के भी LRP चौकी के भी कुछ लोग पहुंचे, तो हमको साथ लाया गया चौकी के बाद हमको कोतवाली लाया गया, कोतवाली में हमको बंद कर दिया गया। एक हमारा ताऊ जी का लड़का मिलने आया कोतवाली, उसको भी बंद कर दिया गया। 24 घंटे हम बंद होने के बाद, उसके बाद हमारा धारा 151 में चालान किया गया। उसके बाद हम 8 तारीख को जमानत करवा के छुटे 151 की। उसके बाद तब भी उन लोगों को छोड़ दिया गया इसे। उसमें बताया यह गया कि हमारे चौकी इंचार्ज जो हैं वो कोतवाली में बताया कि मंजू त्यागी का फोन आ गया, श्री विधायिका मंजू त्यागी जी का फोन आ गया है, ये पार्टी उनकी है, उनको छोड़ दिया जाए, इसीलिए हमारा चालान कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। और जब 9 तारीख को हमारे घर सुबह CO सिटी साहब और कोतवाल प्रभारी राकेश उपाध्याय जी और चौकी इंचार्ज, कोबरा टीम, क्राइम ब्रांच, ये सब जब पहुँचे हैं तो हमको साथ में सारी जानकारी ली है, गांव में हमारे सबसे पूछा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद हमको साथ में बिठाल के लाया गया, उसके बाद हमने एक FIR मतलब कापी दी उनको, तो उन्होंने ही हमारी FIR कापी जमा करवाई कोतवाली में। कोतवाली में कापी जमा करवाने के बाद जब हम शाम को जो ये कापी मिलती है कोतवाली से, तो जो हमने ली है तो उसमें ललित जितेंद्र विनोद कुमार गजराज रोहित और रंजीत कुमार उर्फ बल्ला, इसमें नाम गलत हो गया, बल्ली मोहित और अनमोल ये भगवतीपुर का रहने वाला है, बाकी हमारे सब चंदपुरा के रहने वाले हैं, जिनके ऊपर गंभीर धाराएं 147, 148, 149, 452, 307, 323 और 506 जैसी गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, मगर कोई अरेस्टिंग नहीं हो रही। ये 7 तारीख का कांड है और आज 22 तारीख हो गई है। इसको लेकर आप लोगों ने मतलब किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया? SP साहब के पास हम 2 बार जा चुके हैं, आज 3rd बार आए हैं। SP साहब ने कोतवाल सदर को मतलब तुरंत फ़ोन करके बताया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उधर से हमको ये मिल रहा है प्रेशर कि मतलब ये 307 में जेल नहीं जाएंगे, ये अभी आगे और कुछ करेंगे तब जेल जाएंगे। मतलब पूरा कहना है कि पॉलिटिकल दबाव के चलते क्या, उसमें विधानसभा श्रीनगर विधानसभा श्री मंजू त्यागी जी विधायिका जो हैं वो मतलब ज़्यादा प्रेशर लगा रही हैं, और उनका उनके जो दो सहयोगी हैं, एक हमारे ताऊ जी हैं और एक उनका लड़का, ताऊ जी का नाम है हमारे अखिलेश वर्मा, चेयरमैन रहे सोसाइटी के, अन्ना सोसाइटी के, और उनका लड़का इस समय टीचर हुआ है सूर्य प्रकाश वर्मा उर्फ कांशु नाम है, वो कह रहा है कि 307 में हमने ना इनको जेल जाने दिया है ना जाने देंगे। और मीडिया भी हम बुला रहे हैं, तो मीडिया के ऊपर भी जैसे आप लोग आए हैं, आप लोगों को भी फोन करके बुलाया जा रहा है कि 10,000 ले लो, 5,000 ले लो, तुम ये न्यूज ना निकालो, ये भी किया जा रहा है, ये भी प्रेशर लगाया जा रहा है, तो बताओ हम क्या करें। तो आज आप ये जिलाधिकारी कार्यालय आए थे, तो यहाँ क्या अभी कुछ आश्वासन कोई मिला? आश्वासन क्या, वो DM साहब प्रकरण में अभी तक अगर देखा जाए तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं, आगे अगर नहीं कोई कार्रवाई होती है इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद तो हम अब CM साहब के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब के पास लखनऊ जाएंगे, अगर जो वहाँ से भी कुछ नहीं होता तो मैं दिल्ली भी जाऊँगा, श्री मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाऊँगा, प्रधानमंत्री।
निघासन तहसील क्षेत्र में एक और बैंक घोटाला सामने आया। ठेकेदारों से उपभोक्ताओं के आधार कार्ड हासिल कर जालसाजों ने विभिन्न बैंकों में उनके नाम से खाता खुलवा लिए। इन खातों में धान व गेहूं बिक्री के लाखों रुपए डलवा कर उसकी निकासी कर ली। जब राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड निरस्त हुए तब इस जालसाजी का भंडाफोड़ हुआ। निघासन क्षेत्र के गौरिया समेत कई गाँवों के इस मामले का खुलासा होने पर तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं आज दो दर्जन से अधिक संख्या में गौरिया निवासियों ने जिला पूर्ति कार्यालय व पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंप कार्रवाई की मांग की है। ये देखते हैं पीड़ितों की जुबानी। बताइए सर, हम 8-11 को गए राशन लेने दुकान पे, तो उन्होंने ये कहा कि आपका राशन कट गया और आपने पैसे निकाले। तो जब हम यहाँ पे आए लखीमपुर पता करने के लिए, तो वहाँ पे कमरा नंबर 5 में पता चला तो राशन कट गया है, पैसे निकाले हैं, इससे आपका राशन कार्ड कटने का क्या मतलब है? तो वो कहते हैं आपने लाखों रुपए का गल्ला बेचा है। अच्छा, जिसके चलते आपका राशन कट गया है, जबकि गल्ला आपके द्वारा बेचा नहीं गया? नहीं सर, बेचा गया। फिर पता चला कि जिला सहायक चुकनिया में खाता आपका खुला हुआ है, वहाँ हम लोग स्टेटमेंट निकाला। तो वहाँ पे ना तो हम लोग जानते थे बैंक कहाँ है कहाँ है, वो फर्जी खाता खोल के पैसा निकाल लिया बिना आधार वगैरह लगाए आप लोगों के पैसा निकाल। वो ये कह रहे थे कि आपकी आईडी लगी है, तो हमने कहा आईडी लेकर हम अगर वहाँ हो, अगर हमारा खाता धारक यहाँ है लाभार्थी तो हम निकालिए। वो गए नहीं कभी तक, पहुँच गए देखेंगे। ये सब सिर्फ आप लोग के खातों में जो पैसा आया निकाला गया उसके चलते आप लोगों का कैंसिल कर दिया गया राशन? जी सर। तो कितने राशन कैंसिल हुए राशन कार्ड? सर इसमें 60 तो है हमारे यहाँ, लेकिन हम यहाँ पे मौजूद 20-25 लोग हैं। तो इसके लिए आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, आपने ज्ञापन दिया या जो संबंधित प्रार्थना पत्र दिया, कार्रवाई हुई इस पे? सर 17 को हम आए थे, उस दिन भी दिया था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज हम फिर आए हैं। आप फिर आए हैं, क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी? अब सर ये वहाँ ये बोल रहे हैं कि जाइए आपका काम हो जाएगा। अब काम नहीं होता है कुछ भी? 17 को नहीं, आज हम फिर आए। बैंकों, क्या आपको लगता है बैंकों की मिली भगत है इसमें? सर अगर बैंक कैसे हो सकता है खाता खोलते ये जो भी कांड हुआ था इसमें क्या आप लोगों के द्वारा खदान बेचा गया था? आप लोग जान नहीं पाए हैं और पैसा आपके खातों में आया निकाल के चला गया, मतलब खाता आप ही का था कि खाता भी आपका नहीं था? खाता भी नहीं था, लेन देन हुई। तो आपका आधार कैसे उनको मिल गया जो खाता खुल गया? आधार जहाँ कौन है आपका कोटेदार? क्या कोटेदार आपका कौन है, क्या नाम है कोटेदार का? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कोटेदार हैं जिनके आप लोग राशन लेते थे, तो सबके राशन कार्ड निरस्त हो चुके हैं इसके चलते हुए। अब आप लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं उम्मीद लेके कि यहाँ पे कार्रवाई होगी। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी फिर आप क्या करेंगे? इस तरह आगे यानी कि आप एक उम्मीद लेके आए हैं जिलाधिकारी महोदय के पास कि आपके जो सुनवाई होगी। सुनवाई अल्लाह हम करना नहीं सुनवाई हुई तो आगे बढ़ेगा।